देखता हूँ बाबा जी बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह ताला, वो ना आपने भी क्या कमाल बात लिखी है, हमने ना उनकी वो जो मन घड़त उनके हवाले से बातें हैं वो याद रख लेते हैं, वो जी घुंगरू पा के नचे, मैं अजीब गल हाँ जी, अल्लाह का वली हो तो नचना ना होता है, बोलोगे हम तुम थोड़ा जहाँ, हाँ तुम ना बोलो लेकिन याद रखें ये मन घड़त बात है। बाबा जी भुले शाह साहब कोई नचे शचे वो डांसर सर माज़ अल्लाह कोई, वो तो अल्लाह के वली थे, तुम नहीं बोलना मैंने लगता पाया, हाँ तुम कवाल सुने ने तमाशबीन वो जो वो अपना रामा बनाने वास्ते उन्होंने भाजी बुजुर्गों के उत्ते तोहमत लाहड़िया ने, वो बुजुर्ग इस तरह का कोई चक्कर नहीं था, वो तो निगाह रहमत करते तो लाखों को कलमा पढ़ा देते, तो उनको डांस करने की और ये सब तमाशे हैं उनका, या तो वो अल्लाह के वली हैं, अगर वो वली हैं तो फिर वो नाचे नहीं हैं, और अगर नाचे हैं तो फिर अल्लाह के वली नहीं हैं। हाँ ये कुरान और हदीस है, सबसे बड़ा म्यार हमारे वास्ते हमारे लिए मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं, फिर सहाबा और अहले बैत हैं, हमने उनकी सीरत इमाम हुसैन करबला में सब कुछ लुटा दिया और यहाँ कह दें जी तुम्हारे छोड़े यार कैसे चक्करों में पड़ गए, वो अल्लाह के वली थे, उन्होंने तो अपनी ज़ुबान की तासीर से दीन इस्लाम 21 दिन दाता अली हजवेरी ने पत्ते खा खा के दीन की तबलीग की है, और यहाँ तोमते लगाई जाती है उन पर, तो बाबा जी बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने लगे कि किसको किसका दिल किसको अल्लाह मिलता है, किसे सुकून मुयसर आता है, उर्दू का शायर तो कहता रहा कि कोई आया ले के चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, बाबा जी बुल्ले शाह साहब ने जरा सादे अंदाज में आप फरमाने लगे रब रब कर दे बुढ़े हो गए, इतने मुला पंडित सारे ही रब का खोज खुरा ना लब्भा, 20 साल हो गए जी 20 साल हो गए 30 साल हो गए हैं, मैं हज भी करके उमरा भी, तो कहने लगे रब रब कर दे बुढ़े हो गए, इतने मुला पंडित सारे ही रब का खोज खुरा ना लब्भा, कर कर मिन्नत हारे रब ते तेरे अंदर वसदा ही, रब ते तेरे अंदर वसदा ही, विच कुरान इशारे, और फिर बात समझा दी और खत्म कर दी, कलम ही तोड़ दिया, वो कहने लगे वे बोलिया रब ओनू मिलदा ही जरा यार तो तन मन वारे, जरा यार तो तेरा तन भी झुके तेरा मन भी झुके, ऐसा ना हो कि तू यहाँ झुका और तेरा ख्याल कहीं और हो, तेरा ख्याल तेरी सर सोच उसकी बारगाह में झुक जाए तो फिर यूँ समझ ले कि तुझे अल्लाह सुकून अता फरमा देगा।